प्रिय साथियों जय हिंद। साथियों आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती अधिसूचना 2023 की। साथियों हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें कुल 7090 पद हैं जो कि जीडी के हैं। इसके अलावा 321 पद रेडियो ऑपरेटर के हैं। साथियों 21 जून से हमारी जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके अलावा इसकी जो परीक्षा तिथि निर्धारित की गई है वो 12 अगस्त से प्रारंभ की जाएगी। साथियों इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम जो है ये दो चरणों में एग्जाम प्रक्रिया दो पद्धतियों से होकर गुजरेगी। एक पहली होगी रिटन टेस्ट, और ये रिटन टेस्ट जो होगा ये 100 अंक का होगा, जिसमें जो है 100 अंक का होगा, जिसमें 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। स्पेशली रूप से किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथियों इसमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है, जिसमें 3 टॉपिक को यदि हम देखें तो स्पेशली रूप से एक सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि ज्ञान दिया हुआ है, दूसरे में हमारी शैक्षणिक अभिरुचि दी हुई है और तर्क शक्ति, तीसरे में आप देखोगे साइंस दिया हुआ है और गणिती अर्थात गणित दी हुई है। तो इस तरीके से जो है जो हमारा पहला पोर्शन होगा वो 40 अंक, और इसके अलावा रीजनिंग और गणित विज्ञान ये 30 अंक, टोटल मिलाकर 100 अंकों का पेपर होगा। साथियों इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा जो पिछले टाइम जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी उसमें से थोड़ा सा चेंजेस फिजिकल में किया गया, अर्थात हमारे 100 अंक फिजिकल के होंगे। फिजिकल में 100 अंक निर्धारित होंगे, जिसमें आपकी 3 प्रक्रिया, एक तो जो हमारा क्या रनिंग होती है रनिंग होगी, इसके अलावा फिर आपको पता होगा कि लंबी कूद होती है और गोला फेंक होती है। तो इसमें अलग अलग अंक निर्धारित किए गए हैं और इस आधार पर 100 अंकों के जो है हमारा फिजिकल टेस्ट होगा। साथियों इसमें कुछ योग्यता आप देखोगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे जिसमें हाइट को लेकर, हाइट जो है 168 है, ठीक है, 168 सेंटीमीटर किसके लिए, ओबीसी के लिए, इसके अलावा जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, और महिलाओं के लिए 155 है सेंटीमीटर में। बाकी आप जो है कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले फॉर्म फिलअप करने से पहले आप लोगों को उसको ध्यानपूर्वक रीड करना चाहिए कि भाई क्या योग्यता मांगी गई है, क्या उसका सिलेबस है, ठीक है, आयु सीमा में क्या छूट दी गई है। आयु सीमा की यदि हम बात करें तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें आपको जो है कितना 33 अर्थात 33 वर्ष जो है जनरल के लिए है, लेकिन 3 वर्ष हमारा कोविड को लेकर जो बीता है जिसमें कोई भर्ती नहीं हो पाई थी, तो इस तरीके से 36 वर्ष की आयु तक जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी एसटी एससी और हमारे जो मध्य प्रदेश के अन्य स्वशासी संस्थान है या फिर शासकीय कर्मचारी है उनके लिए जो है अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष निर्धारित की गई है ना? तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिकतम आयु सीमा कितनी है 41 वर्ष जो है एसटी एससी ओबीसी के लिए। अब साथियों इसमें शैक्षणिक योग्यता तो आपको पता ही है, शैक्षणिक योग्यता जो है कहाँ कितनी मांगी गई है, जो पुरानी पद्धति 10+2 जो थी, ठीक है, 10+2 के आधार पर 10th या फिर 12th हायर सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है, और जो रेडियो ऑपरेटर के जो पद है उसके लिए स्पेशली रूप से 12th होना चाहिए, और 12th के साथ साथ आपके जो है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक में, आईटीआई जो है इसमें डिप्लोमा होना चाहिए या इंजीनियरिंग भी अप्लाई कर सकेंगे। साथियों परीक्षा सेंटर जो है आप देख रहे होंगे हमारे इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और भी जो है आप देखोगे, ठीक है। अब रही बात इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है आयु को लेकर, ठीक है, लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता, ठीक है,
और हमारा शारीरिक मापदंड। अब महत्वपूर्ण बात आती है साथियों कि हम क्या रणनीति अपनाएं कि हमारे बहुत आसानी से एग्जाम क्लियर हो पाए। अच्छा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है साथियों कि अगर किसी व्यक्ति के, अब आप सोचिए जरा, 7000 पद है, 7090 पद, लगभग आपका 7 गुना व्यक्तियों का चयन होना है, अर्थात फिजिकल के लिए 7 गुना व्यक्ति को लेगा, अर्थात लगभग 49 से 52 हजार लोगों को जो है फिजिकल के लिए लिया जाएगा। इसका मतलब ये है रिटर्न के साथ साथ हमको फिजिकल भी बेटर रखना है। अगर हमारा बाय द वे रिटर्न में कम मार्किंग भी होती है और हमारा फिजिकल अच्छा है तो हम फिजिकल एक्टिविटीज में जो है क्या कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरिट तैयार होगी वो फिजिकल और हमारा रिटर्न टेस्ट दोनों को मिलाकर होगी, इसलिए हमको दोनों पर ही मेहनत करना है, दोनों पर ही मेहनत करना है, फिजिकल पर भी और हमारा रिटर्न एग्जाम के लिए। ठीक है साथियों। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है साइंस को लेकर, साइंस के लिए मैं आपको बता दूं बहुत अच्छी जो है बुक आती है इलाहाबाद प्रकाशन की घटना चक्र, उसमें आप देखोगे हमारे बहुत सारे ऑल इंडिया लेवल पे जहां जहां जो जो एग्जाम होते हैं अदर स्टेट में, उसका साइंस सबसे पहले शॉर्ट नोट्स दी होती है, फिर प्रश्न दिए रहते हैं, ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, फिर उनका डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है, तो वो पढ़ने में बहुत अच्छा रहता है और बहुत जल्दी याद भी हो जाता है। अब जिन लोगों ने जो है मैथ्स रीजनिंग को अच्छे से पढ़ लिया है वो क्या करें, वो जो है हमारे जो अभी लेटेस्ट पटवारी के एग्जाम हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम हुए, आबकारी एग्जाम हुए हैं, इन एग्जामों के मैथ्स और रीजनिंग को अच्छे तरीके से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, अर्थात क्या करें, प्रैक्टिस। क्योंकि प्राय हम देखते हैं कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है ये जो बुक से हम पढ़ते हैं उस समय तो हमसे बन जाते हैं, लेकिन जब हम एग्जाम हॉल में होते हैं तो हमसे नहीं बन पाते, इसलिए आप जो है प्रतिदिन एक टेस्ट पेपर लगाएं। क्यों? क्योंकि समय का भी बहुत अभाव रहता है, मैथ्स रीजनिंग लेंथी होती है, ठीक है, होती इजी है लेकिन लेंथी होने की वजह से समय का बहुत ज्यादा अभाव हो जाता है, बहुत सारे साथी जो है अपना क्या पेपर पूरा नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा, चूंकि आपको पता होगा ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, ऑनलाइन एग्जाम में कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहां पे कोई हमको जो है रीजनिंग दे दी गई है ना, तो उसको बार बार हमको अप डाउन करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन पहले होता है उसके नीचे जो है 4-5 जो है आंसर होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, पाई चार्ट, इसके लिए तो हमको समय ज्यादा लगता है, तो ये समय का प्रबंधन करना आप सीखिए, है ना। और ये कहाँ से आ सकता है साथियों, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट पेपर से, मतलब आपको प्रतिदिन एक सेट पेपर लगाना ही है, ये जरूरी नहीं कि उस टेस्ट पेपर से बहुत कुछ आएगा या बहुत कुछ नहीं आएगा, लेकिन उस टेस्ट पेपर से हमको जो समय का प्रबंधन होता है एग्जाम हॉल में वो हमारा मैनेज होगा और वो बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए साथियों आपके जो है पिछले टाइम आपने देखा होगा कि हमारे लगभग बहुत सारे बच्चे जो है एमपी पुलिस के लिए सिलेक्शन हुआ, चयनित भी हुए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने रिजाइन भी दे दिया। रिजाइन देने का मुख्य कारण क्या है कि उनका ग्रुप टू, जो ग्रुप डी का रेलवे एग्जाम था वो भी क्वालिफाई हो गए, तो एमपी पुलिस से ग्रुप डी में उन्होंने ज्वाइन कर लिया है साथियों। इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको कोई भी नोट्स से चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप जो है स्क्रीन पर आपको जो कॉन्टेक्ट नंबर है उस पर आप, या यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहां पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और समय समय पर जो है नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। ठीक है साथियों, ओके, थैंक यू।